ये बाइट इधर ही कर लो। अरे थोड़ा बाइट है। रवि भाई क्या चलो सुपरवुमन होल्डिंग सो मेनी डांस वो खुद इसी फ्रेम में आ जाते हैं। थैंक यू। नो नो वी फाइन। या वी कैन आल्सो होल्ड। I'm wearing an exquisite piece designed by Anita Dongre. It's a Banarasi weave. It's hand-woven. And today is Indian Textile Day. It's a very special day for our textile industry. I think सबसे खूबसूरत बात जो इस गारमेंट की ये है कि इसकी जो सभ्यता है, जो कला है, जो खूबसूरती है, वो सदियों से चली आ रही है। एंड आई बिलीव व्हाट अनीता इज़ डूइंग विद बनारसी वीव्स एंड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इज़ प्रूविंग ग्रासरूट इनिशिएटिव इज़ ट्रूली वन दैट विल प्रमोट, सस्टेन and empower our handicrafts and our textiles, our Indian textile industry. मैंने ऑनेस्टली बहुत बहुत पहले से मैं हमेशा बनारस की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, बनारसी वीव्स की बड़ी फ़ैन रही हूँ। और मुझे हमेशा ये बेचैनी सी महसूस होती थी कि जो हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंड वूवन इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे बिखर रही है, कमज़ोर हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन अनीता डोंगरे जैसे डिज़ाइनर्स जब इतना महत्व इनिशिएटिव को देते हैं और कहते हैं कि हमें हैंड वीव को वापस एम्पावर करना है, पर्सनली रियली रियली प्राउड ऑफ अनीताज इनिशिएटिव टू एम्पावर द वीवर्स इन बनारस एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यस, बट आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड कि एक डिज़ाइनर का काम नहीं हो सकता है। हम काफ़ी सभी डिज़ाइनर्स इससे इस कॉज से जुड़े हुए हैं। अभी 7:30 को रितु कुमार जी का भी शो होगा। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी एक्टिवली टूवर्ड्स बनारस एंड देयर आर मेनी अदर एंड आई थिंक नाउ इट्स स्लोली हैपनिंग एंड लक्ष्मी आई एम जी का जो ये इनिशिएटिव है टेक्सटाइल डे इज हेल्पिंग टू प्रमोट दिस कॉज वेरी मच। And this is not the first year that I've participated on this particular day. मैं पिछले साल भी आई थी, अनीता के लिए आई थी, और मैं मुझे बहुत गर्व और बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे इतने सारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं मेक इन इंडिया को इतना सीरियसली ले रहे हैं और सचमुच हमारी जो वीवर्स और क्राफ्ट्समैन हैं उनको इतना बढ़ावा दे रहे हैं। वेल ये इंटरेस्टिंग बात द यंगर जनरेशन की एक एटीट्यूड और माइंडसेट हुआ करता था 5-6-10 साल पहले, जहाँ पे जब भी हम ट्रेडिशनल वेयर की बात करते थे तो वो सोचते थे कि ट्रेडिशनल बोरिंग होता है। आई थिंक व्हाट दीज डिज़ाइनर्स हैव डन इज दैट दे हैव टेकन दैट माइंडसेट
एंड चेंज्ड इट क्योंकि ऑफकोर्स सम ऑफ अस ऑल्सो हेल्प दैट बाई वेयरिंग दीज ब्यूटिफुल क्लोथ्स. There are lots of Western silhouettes, lots of Western cuts, Indo-Western garments that are being created with traditional Indian weaves. And I think that should definitely encourage more young people to wear these clothes, celebrate them and feel proud. ये एक अलग सवाल है. अभी मैं एक सैड न्यूज़ सुनने मिली शीला वोरा मर्डर केस के बारे में, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे? I think let's stick to Banaras today, please. Today is India Textile Day. We are all celebrating. It's a very, very important day, and we should all celebrate it. Thank you. India's wardrobe में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? Like Western outfits, India ने सबसे ज़्यादा क्या? अ हेल्दी बैलेंस ऑफ बोथ. मैं इंडियन उतना ही पहनना पसंद करती हूँ जितना वेस्टर्न. और मैं बट आई थिंक इवन व्हेन यू वेयर वेस्टर्न्स यू वेयर देम विद अ वेरी इंडियन टच. आई लव दैट. आई डू. यू नो शी वेयर्स दिस ब्यूटीफुल ब्लॉक प्रिंटेड टॉप्स एंड शी वेयर्स द स्टफ दैट्स वेरी फोक आर्ट एंड इंडियन. सो आई थिंक शी बेसिकली लव्स एवरीथिंग इंडियन. यस, माय हार्ट इज इंडिया. थैंक यू. थैंक यू.